सॉरी, देखिए नेटवर्क की कुछ समस्या थी, ऑटो डिसकनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो नेक्स्ट चेक करते हैं हम। अच्छा एक चीज और, इसका हमने ना डीहैलोजिनेशन क्यों कहा, ध्यान से देखें। हमारे पास जो ये रिएक्शन थी, इधर देख ले, यहां पर क्या था, ब्रोमीन था ना, यानी इसमें एक हैलोजन एटम था, लेकिन जो मिला प्रोडक्ट, इसमें हमारा हैलोजन एटम क्या हो गया, गायब, डिसअपियर्ड, यस यानी कि हम इसमें रिमूवल करा रहे हैं इसका, ये यहाँ पे ये रहेगा ना, इसीलिए हम इसको डीहैलोजिनेशन कह रहे हैं। हैलोजिनेशन का मतलब था एडिशन ऑफ हैलोजन, और डीहैलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन। देखिए यहां पर आयोडीन था, यहां से आयोडीन गायब हो गया, इसलिए क्या हो गया, डीहैलोजिनेशन। चले नेक्स्ट देखें। आगे क्या दिया है, ब्रोमोइथेन, आयोडोप्रोपेन दिया है, C3H7I, इसे क्या बनेगा, C3H6, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर। एक और दिया आपको, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब मैं यहां बना देता हूं, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन। 1 या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। स्ट्रक्चर जब हमें बनाना होता है तो हम कहीं भी बना सकते हैं। आप मान लीजिए यहां बना लिए, यहां आपने लगा दिया ब्रोमीन, जब इसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पोटास से, तो फिर से ये पोटेशियम किस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन पर, और क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस ओ एच, एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, क्या बना लेगा, H2O। और देखिए यहां पर पहले कितने थे, 1 2 3, C3, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 2, यानी कि C3H7 Br का फॉर्मूला था, यानी हाइड्रोजन 7 थे जिसमें से एक निकल गया, कितने बचे अभी, 6, 6 बने हैं। तो देखिए अभी इसमें कितने रिक्वायर्ड हो गए, 3 3 6 2 8, यानी कि इसमें क्या करना होगा, हमें डबल बॉन्ड लगाना होगा, ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, और देखिए क्या बन गया, ये प्रोपीन। एक चीज और, जहां से आप ब्रोमीन हटाएंगे आपका डबल बॉन्ड वहीं पे इंट्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं कि आप ब्रोमीन यहां से हटा रहे हैं और डबल बॉन्ड की पोजीशन आप यहां लगा दें, यहां पर ऐसा आप नहीं करेंगे। देखिए यहां ब्रोमीन कहां था हमारा, लेफ्ट साइड में, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी क्या है हमारी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड, क्लियर है सभी को? यस ओके सर। ओके, अभी जो आपने देखा उसमें एक प्रॉब्लम भी है, देखिए क्या है, जैसे 1 2 3, अभी जब आपने यहां पर लगाया है ब्रोमीन और इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं एल्कोहलिक पोटास से, तो देखिए क्या होगा, एक KBr मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा। अब हमारा जो यहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी, आप देखिए डबल बॉन्ड के लिए दो ऑप्शन हो गए, एक डबल बॉन्ड आपका इस साइड लगा सकते थे आप, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका डबल बॉन्ड इस साइड भी लग सकता है। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, यस सर। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहां आपका आयोडीन था, आपने इसका रिएक्शन KOH एल्कोहलिक से कराया, तो आपको मिल गया KI प्लस H2O। और अब आपको पता है कि जो आपका डबल बॉन्ड होगा ना, वो इसी और इसी के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ आयोडीन था, तो प्रोडक्ट आपने बना लिया 1 2 3 4, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए और आयोडीन की पोजिशन यहाँ कर दी जाए, तो भी ये चीजें तो आपको सेम मिलेंगी।
हाँ देखिए ये तो आपको सेम मिलेगा। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड पोजीशन है ना वो यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। ये पोजीशन से एडजेसेंट दो है तो दोनों जगह हो सकती है। तो दोनों प्रोडक्ट बनाए और चेक करें, 1 2 3 4 5, दूसरा प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। देखिए एक में मैंने यहां पर लगाया डबल बॉन्ड और दूसरे में यहां। अब आप यहां पे क्या काम करें ना, यहां पर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले। अल्फा हाइड्रोजन याद है हम कहां सीखे थे? यस सर। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? ठीक, कार्बन, जो बगल वाला कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन। देखिए इसमें कौन सा कार्बन काउंट होंगे, ये वाला अल्फा कार्बन होगा। और कौन होगा अल्फा कार्बन? एक ये वाला होगा क्या अल्फा कार्बन, बोले यही होगा ना। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? टू। यहां पर कितने है? थ्री। यानी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? फाइव। फाइव और यहां पर कितने हैं? ट्रू। टू। आप बताएं स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, टू वाले की या फाइव वाले की? फाइव फाइव वाले की। यानी ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा माइनर। माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या कहा? जब यस आपके सर। पास ऑप्शन हो कि डबल बॉन्ड किधर लगाएं, दो तरीके हैं, यानी कि लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी जा सकता है, तो उस केस में आप चेक करें कि किधर से अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। चलिए एक क्वेश्चन आप फिर खुद से देखें। सर हाँ बोले बच्चा, क्या ऊपर मैं फिर से समझाऊं? अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, परेशान ना हो। मेरे पास कौन सा ऑप्शन था, ये वाले को दोनों साइड टू ब्रोमो ब्यूटेन। टू ब्रोमो ब्यूटेन का आपको कराना है। देखिए मैं पहले लिख देता हूं टू ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनेगा। 1 2 3 4, ये होगा ब्यूटेन। सेकेंड नंबर पर ब्रोमीन है। आप यहां भी लगा सकते हैं और आप यहां भी लगा सकते हैं। आप कहां लगाना चाहेंगे, लेफ्ट से या राइट से? आप कहीं भी लगा लें, क्योंकि आज। नंबरिंग नहीं दिया है, नंबरिंग हमें करना है। इस समय हम नंबरिंग ऐसे कर लेंगे, जब आप यहां लगाते तो नंबरिंग हम इस साइड से कर देते तो भी सही होता। आप इससे अल्कीन बनाएं, देखिए कैसे बनाएंगे, जल्दी इस प्रोडक्ट बनाएं। बनेगा बनेगा। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स तो कॉमन है, मैं एक ही बार लिख देता हूँ डायरेक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, क्या मिलेगा? एक पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या मिलेगा? वाटर। ये तो दोनों में मिलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड यस प्लस वाटर। मुद्दा हमारा ये है भी नहीं, हमारे लिए मुद्दा इनके पोजीशन है। पहले हम बना ले 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए पहले वाले में जब आपने इसको तोड़ा तो हो सकता था आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर हो या हो सकता था इधर हो। आप किधर लेना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। यू ठीक है, हमने लिया एक लेफ्ट में और दूसरा हमने लिया राइट में। राइट में। अब इसमें हाइपर कंजुगेशन देखें, यही होगा अल्फा कार्बन और वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का यस नंबर कितना है? वन टू, इसमें यानी कि टू। टू होगा। यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे, एक ये भी अल्फा कार्बन है और एक ये भी यस अल्फा कार्बन सर। है, यानी कितने हो गए? सिक्स ना, हाँ यस सर। थ्री सिक्स। थ्री सिक्स। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जितना ज्यादा होता है उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज्यादा बनते हैं, और जितना हाँ ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। जियोसी में हम लोग यही होती है। सीखे यस थे। तब बताएं स्टेबल कौन सर। होगा, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला।
तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट मेजर एंड दिस इज आवर माइनर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। अच्छा इसको एक और नाम से कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है वो नेटवर्क की समस्या ना बच्चे की नहीं। देखिए कई बार इसको ना ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब देखिए क्या है, सिर्फ एक तरफ से ही आपको वो मिलेगा साइड चेन। अगर आप साइड चेन ढूंढना चाहें तो ये आपका पूरा ये सिस्टम हो गया डबल बॉन्ड वाला, तो एक इधर ही अल्कीन का अल्कीन के बाद एक साइड चेन इधर ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इधर देखिए ये हमारा सिस्टम है पाई बॉन्ड का, तो एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो इसको कई बार ना डाई सब्स्टिट्यूटेड भी लिखा हुआ मिल सकता है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? इधर से एक साइड में पॉसिबल था तो एक था तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और इधर दो है तो डाई, और वो कहा जाता है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन मोनो। ये उनके लिए है जो पढ़ के नहीं आए उनको याद रखना है। आप पढ़ के आए हैं आप अल्फा हाइड्रोजन निकालें और डायरेक्ट वहां से चेक कर लें, आपको ये मोनो है डाई है क्या है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर सभी को? सर नाम भी चेंज हो रहा है क्या बच्चा? नेमिंग। अच्छा नेमिंग, इसका नेम देख ली क्या डिफरेंस होगा ना? हाँ इसका नाम होगा 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटीन। हाँ ब्यूट वन इन या ब्यूटीन बोल दे डायरेक्ट, और इसका हो जाएगा ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन। चले नेक्स्ट देखें यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखिए बन रहा है ना डाइमिथाइल इथीन। डाइमिथाइल क्यों? एक इधर भी है मिथाइल ग्रुप और एक इधर भी है मिथाइल ग्रुप। ये इसका आईपीएसी नेम नहीं है, इसको दूसरे नेम से भी बोला जा सकता है ना। तो डाइमिथाइल दो हो गए और इसका नाम क्या हो गया इथीन। ये क्या लिखा है डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइड चेन की तरह मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है। ये क्या हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। आप यहां से अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले 3 3 6 यहां काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 2, तो ये माइनर हो गया ये मेजर हो गया। ये देखिए इसका नाम है इथाइलीन इथीन। इथाइलीन क्यों? ये पूरा एक ही में काउंट किया गया है, तो मिथाइल बनता था एक कार्बन से, दो कार्बन से क्या बन गया इथाइल, और ये अभी भी क्या है इथीन, इसका नाम इथाइल इथीन भी हो सकता है। ये देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ एक ही तरफ से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये क्या हमारा माइनर। तो आप इनको रटे नहीं, आप अल्फा हाइड्रोजन से आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जैसे हमने अल्कोहल का देखा था सबसे ज्यादा अल्कीन बनाने में कौन से अल्कोहल रिएक्टिव होंगे, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री पीछे पड़े थे हम लोग। वैसे ही हम RX जो हेलो अल्कीन्स है ना इनका भी ऑर्डर पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें भी सबसे ज्यादा 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, रिएक्शन इन विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ऐसे रिएक्शन जिसमें से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या HX। HX क्या हमारा हाइड्रोजन हैलोजन। हाँ हैलाइड। यस सर। ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हमारे HF हो सकते हैं, HCl हो सकते हैं, HBr हो सकते हैं और HI हो सकते हैं। इज लॉस्ट आर नोन एज इलिमिनेशन रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें से या तो वाटर का लॉस हो रहा हो यानी कि वाटर रिमूव हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन के हैलाइड इसको हम कई बार हैलोजन एसिड भी कहते हैं, इनका लूज हो रहा हो ये रिमूव हो रहे हो तो उनको हम क्या कहेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा देखिए इलिमिनेशन किससे बना है? इलिमिनेट से, और इलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव। इलिमिनेट का मतलब रिमूव। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें कि H2O या HX रिमूव होता है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। गुड। नेक्स्ट हमें देखना है विसिनल डाई हेलो एल्केन। विसिनल डाई हेलो एल्केन। अब देखिए 1 2 3 4 5 लेट से यहां मेरा एक्स है यहां मेरा एक्स है, क्या ये डाई हेलो एल्केन है? हाँ है। क्या ये विसिनल डाई हेलो एल्केन है? हाँ है। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों कार्बन क्या है एडजेसेंट है।
अब मान लीजिए मैं इसी को ऐसे बना दूं, एक यहाँ पर x, दूसरा x यहाँ पर, तो बताइए ये क्या बन गया? ये अभी भी डाई हेलोल्केन है, लेकिन अब ये विसिनल नहीं है, दिस इज नॉट विसिनल, दिस इज जेमिनल। याद है जेमिनल? जेमिनल का मतलब था सेम पोजिशन, जब दो हेलोजन ग्रुप सेम पोजिशन पे आ जाए तो हमको क्या बोलते हैं? जेमिनल। देखिए इसमें क्या सीखना है हमें, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि ऐसे हेलोजन के डेरिवेटिव जिसमें कि दो हेलोजन हो ऑफ अल्केन्स, लाइक आर एच टू, ये क्या हो सकता है? सी एच टू, सी एल टू हो सकते हैं, इट कैन बी सी एच टू, बी आर टू। अब मैं एक लिख रहा हूं सी एच थ्री, सी एच टू, आई टू, क्या ये भी हो सकता है? क्या बताए, क्या मैं इसको डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव बोल सकता हूं? ये तो बोला जा सकता है, हाँ ये भी बोला जा सकता है। आप ये नंबर पे ना जाए, ये सी एच टू है, सी एच टू है, ये सी एच थ्री, सी एच टू है, ये पूरा क्या हमारा अल्काइल ग्रुप, ये पूरा क्या हमारा अल्काइल ग्रुप और दो हेलोजन है, तो ये हो गया आर आई टू, तो ये क्या हो गया हमारा डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, यानी कि आर एक्स टू, इन विच द टू हेलोजन एटम्स, दो हेलोजन आइटम, जैसे यहाँ पे क्या उत्पन्न है? आयोडीन, आर ऑन द एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन मतलब पड़ोसी वाले कार्बन, एटम्स आर कॉल्ड विसिनल डाई हेलोल्केन्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई कंडीशन दिया है, और यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स और यहाँ दिया गया है एक्स, तो ये जो हेलोल्केन है ना, इसी को हम बोलते हैं विसिनल डाई हेलोल्केन, बोल सकते हैं विसिनल यानी पोजीशन एडजेसेंट है, डाई यानी कि दो हेलोजन है, और हेलो एल्केन क्योंकि अल्केन में हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस है। क्लियर सभी को? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, विसिनल डाई हेलो एल्केन इज हीटेड विथ जिंक, हम क्या करते हैं इसको जिंक के साथ हीट करते हैं। अच्छा जिंक ही क्यों चूज किया आप ये ध्यान रखें, जिंक हमेशा ना प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। आप देखें जिंक क्लोराइड, ये क्या होता है? ZnCl2, यानी जिंक प्लस टू क्या करता है? एज द चार्ज फॉर्म। हमने इसको ऐसे लिया क्योंकि यहां पर क्या है, दो हेलोजन है एक्स एक्स, ये दोनों को एक साथ रिमूव कर लेगा। मेरी बात समझ में आया? अगर आप यहां पोटेशियम लेते हैं तो कोई एक ही अपनी ओर खींच पाता ना, क्योंकि उसके ऊपर एक ही प्लस चार्ज आता, तो जिंक इसलिए लिया गया ताकि ये दोनों को अपने साथ खींचेगा और क्या बना लेगा? ZnX2। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लें यहां पर क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, तो ये दोनों क्लोरीन को एक साथ निकाल के क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड। अगर ये दोनों ब्रोमीन होते तो क्या बनाता? जिंक ब्रोमाइड। इसलिए हमने जिंक लिया है ताकि ये दोनों हेलोजन को एक साथ रिमूव करा सके। क्लियर? यस सर। गुड। अब मान लीजिए मेरे पास है CH3। सर मिथेनॉल भी यूज कर रहे हैं क्या बच्चा? ये मिथेनॉल एल्कोहल, मिथेनॉल है। मिथेनॉल का मतलब ना जिंक को हम कहाँ रखे हैं? एल्कोहल के अंदर, यानी ये एक्वस फॉर्म में नहीं है, दिस इज नॉट इन एक्वस फॉर्म, दिस इज एल्कोहलिक जिंक। हम लोग पीछे पढ़े थे ना एल्कोहलिक पोटास, KOH एल्कोहलिक, तो हम क्या किए थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में मिक्स करके रखे थे, तो उसके क्या बोलते हैं लिखने का तरीका है, तो वो अल्कोहलिक जिंक है, उसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए एक मेरा जनरल रिएक्शन दिया गया, हाँ ये डाई हेलोजन है, तो दोनों डाई हेलोजन कहाँ चले जाएंगे?